अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल प्रोफेशनल कीज। आज हम टैक्स रिलेटेड फंक्शन जो हैं उनको उनका पार्ट टू कवर करने जा रहे हैं। मीन्स के लेक्चर 9.2 है हमारा और इसमें हम 9 फार्मूलाज जो हैं इनको कवर करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने इन 8 फार्मूलाज को कवर किया और ये टोटल जो हैं 17 बन जाते हैं। और भी हैं लेकिन जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो 17 हैं फंक्शंस। ठीक है, और आइए करंट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, एक एक को करके हम डिस्कस करते हैं। पहला फार्मूला है लेफ़्ट का। लेफ़्ट से मुराद मींस के ये मूव करेगा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और लेफ़्ट में हमें जितने भी करेक्टर चाहिए मींस के ए बी सी में जितने भी करेक्टर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी चाहिए वो हमें निकाल के दे देगा। ठीक है, पहले हम लगाते हैं इक्वल्स टू लेफ़्ट। टेक्स्ट ये है, पहला पैरामीटर जो है वो टेक्स्ट है, इसमें से हमने निकालने हैं। और नंबर्स कौन से हैं, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझाता चलूँ कि इस बड़ी ब्रैकेट्स में ये जो ब्रैकेट आपको नज़र आ रही है इसमें अगर कोई ऑप्शन या पैरामीटर फार्मूला का शो हो तो इट्स मीन ये ऑप्शनल है। ठीक है, इसको आप यूज़ करें या ना करें, आप कुछ मकासद जो है अपने अचीव कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे यूज़ नहीं करता, इंटर दबाऊँगा तो इसने मुझे पहला करेक्टर उठा के दे दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सबके ऊपर अप्लाई करूँ तो पहला जो करेक्टर है ए बी आ ए बी पी ए ये सब के जो हैं करेक्टर्स पहले उठा के दे रहा है हमें। अब क्या है, मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ, यहाँ पे इसको ख़त्म करता हूँ। अब मैं करेक्टर्स लगाता हूँ कि मुझे एक करेक्टर चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, पाँच चाहिए, जितने भी चाहिए मैं वो वहाँ पर फार्मूला में लगाऊँगा। ठीक है, ये पूरे का पूरा फार्मूला यहाँ पर पेस्ट किया, कॉमा के बाद करेक्टर वाले फंक्शन पैरामीटर में हमने ये वाला सेल ले लेना है। ये वाला सेल कलेक्ट कर लें या आप इनवर्टेड कॉमास में एक लिख दें, दो लिख दें, तीन लिख दें, जितने भी करेक्टर आपको चाहिए वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आसानी के लिए यहाँ पे एक अलग सा कॉलम बनाया और वहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जो करेक्टर्स हैं वहाँ पे लिखे। ठीक है, अब मुझे इसने पहला करेक्टर उठा के दे दिया, यहाँ पे दो करेक्टर उठा के दिए, यहाँ पे तीन करेक्टर उठा के दिए, इस तरह यहाँ पे 6 करेक्टर उठा के दे दिए हमें। सो इस तरह हम जितने भी करेक्टर्स रिक्वायर्ड हैं वो उठा सकते हैं। ठीक है, लेफ़्ट का फार्मूला लगा के नेक्स्ट फार्मूले की तरफ मूव करते हैं। राइट का फार्मूला है, इसमें ये क्या है, पहले फार्मूले के बिल्कुल ही बरक्स है। मीन्स के अब हाँ ये मूव करता है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, इक्वल्स टू राइट, टेक्स्ट ये सिलेक्ट किया और पहले को हमने ऑप्शनल ऐसे ही छोड़ दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, उसने पहला टेक्स्ट ही उठा के दे दिया, वो डट डी था। ठीक है, अगर हम इसको नीचे ड्रैग करें तो ये सबका एंड वाला जो करेक्टर है पहला वो उठा के दे देगा, यहाँ पे वाई है ये उठा के दे दिया इसने। ठीक है, ये इस तरह हम राइट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब हमें रिक्वायर्ड जो हैं वो करेक्टर चाहिए। ठीक है, राइट का फंक्शन लिखेंगे सिंपली कॉमा के बाद, जब ये नंबर्स करेक्टर्स में आएगा तो इस सेल को सिलेक्ट कर लें या कॉमास में आप वो सेल लिख सकते हैं, इंटर का बटन दबाएं। एक ही हमने सेलेक्ट किया था तो इसने एक ही उठा के दे दिया, नीचे ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ पे 8 रिक्वायर थे, इसने 8 उठा के दे दिए। मैं इसको यहाँ पे करता हूँ 5 कर देता हूँ, हमें 5 उठा के दे देगा। इसी तरह आप राइट साइड पे मींस के एंड पे जितने भी करेक्टर्स आपको रिक्वायर हैं वो आप राइट फार्मूला से ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला हमारा मिड फार्मूला। ये इन दोनों का कस्टम फार्मूला है, ये मींस के अपनी मर्जी के करेक्टर्स आप सेल के दरमियान में से उठा सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं। पहला है टेक्स्ट का पैरामीटर है, देन स्टार्ट है, कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, देन नंबर ऑफ करेक्टर्स, कितने करेक्टर्स आपने उठाने हैं। फाइंड, ओके, यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं MID। पहला वो मांग रहा है कि टेक्स्ट ये हमारा ये है, इसमें से उठाने हैं हमने। देन वो मांग रहा है कि स्टार्टिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट हो। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपली आप इन्वर्टेड कॉमास में अपना रिक्वायर्ड स्टार्टिंग नंबर भी लिख सकते हैं। फिर कॉमा लगाया, देन आगे मूव कर गया कि नंबर ऑफ़ करेक्टर्स कितने आपने उठाने हैं, कितने रिक्वायर्ड हैं आपको नंबर ऑफ़ करेक्टर्स। ठीक है, 5, 6, 7 जितने भी रिक्वायर हैं आपके वो आपने ये सिलेक्ट कर लिए। ठीक है,
इंटर का बटन दबाया ब्रैकेट क्लोज करके, तो इसने ये वाले करेक्टर उठा के दे दिए। आइए देखते हैं, पहले तीन से स्टार्ट करते हैं, 1 2। थर्ड से स्टार्ट किया इसने, एस से स्टार्ट किया, एल ए एन। मुझे 5 रिक्वायर थे, यहाँ पे इसने ले लिए 5। यहाँ पे स्पेस भी इसने शायद शामिल कर दी है, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ 4, फिर भी यही होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ 6, अब ये आगे का भी एक सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह हम कस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी मर्जी से करेक्टर्स उठा सकते हैं इन बिटवीन द सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला हमारा एल ई एन, मीन्स के लेंथ जो है वो हमने मालूम करनी है इस टेक्स्ट की, इक्वल्स टू एल ई एन। लेंथ जो है वो हमने 8.1 लेक्चर में भी यूज़ किया था, हेल्पिंग फार्मूले के तौर पे यूज़ होते हैं, ठीक है। ये सारे जो फार्मूले हम कवर कर रहे हैं ये हेल्पिंग फार्मूला में भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। सो लेंथ का फार्मूला है ये वाला, टेक्स्ट सेलेक्ट किया और इंटर दबा दिया। इसके में जो करेक्टर थे वो जितने भी हैं वो काउंट करके आपको दे देगा। यहाँ पे अगर स्पेसेस हैं वो भी सिलेक्ट कर, वो भी आपको काउंट करके देगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करेक्टर्स हैं, ठीक है। अब स्पेसेस कितनी है, 1 2 2 8 हो गए, तो इसका मतलब है कि एंड पे भी एक स्पेस है। वो देखें कि एंड पे स्पेस दी हुई है, इसको मैं ख़त्म करता हूँ तो ये 8 हो जाएंगे। अब सिंबल्स को भी ये काउंट करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक सिंबल में लगा देता हूँ, सपोज ये सिलेक्ट कर ली मैंने 8, ठीक है, ये 6 कर दिया इसने, ठीक है। सो इस तरह हम एक सेल में जितने भी हमारे आ रहे हैं टेक्स्ट आ रहे हैं, नंबर ऑफ करेक्टर्स आ रहे हैं, उसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, एल ई एन लेंथ फार्मूले से। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा आर ई पी टी, रेप्ट का फार्मूला है, मीन्स के रेपिटेशन। हमारा एक करेक्टर जो है वो रिक्वायर्ड करेक्टर है, बार बार रिपीट हो, कितने बार रिपीट हो, ये नंबर ऑफ टाइम्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स आप रिपीट कर सकते हैं, इक्वल्स का साइन दबाएंगे, आर ई पी टी, रिपीट का फार्मूला लगाया। पहला पैरामीटर वो मांग रहा है टेक्स्ट का, ये टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। देन मांग रहा है कि नंबर ऑफ टाइम, कितने टाइम्स आपने इसको रिपीट करना है। सिंपली आप यहाँ पे 5 भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे उस सेल का रेफरेंस दे दें। इंटर दबाया तो 5 दफ़ा ये रिपीट हो गया। नीचे वाला टेक्स्ट 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 4 टाइम्स रिपीट, तो ये 4 दफ़ा रिपीट हो जाएगा। इस तरह आप अगर अपने टेक्स्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ रिपीट करनी है तो रेप्ट का फार्मूला यूज़ करके रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा फाइंड का फार्मूला। फाइंड का फार्मूला और ये चारों फार्मूले जो हैं, सर्च, रिप्लेस और सब्सिट्यूट का फार्मूला, ये थोड़े से ध्यान से समझने वाले हैं, थोड़े से कम्प्लेक्स हैं और बड़े ही हेल्पफुल हैं, बार बार ये यूज़ भी होते हैं हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में। सो देखें, फाइंड के फार्मूला जो है वो थोड़ा सेंसिटिव है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये अभी आपको समझ आ जाएगी कि मैंने क्यों किया है, ठीक है, अभी समझ आ जाएगी, समझाता हूँ। इसमें पहला पैरामीटर है फाइंड, फाइंड जो वर्ड है जो हमने टेक्स्ट फाइंड करना है वो ये वाला है। किसमें से फाइंड करना है, विद इन, ये विद इन का पैरामीटर है। और स्टार्ट कहाँ से हो, वो यहाँ से हो, ठीक है। आइए यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, इक्वल्स टू फाइंड टेक्स्ट फाइंड, ये वाला था, कॉमा लगाया, विद इन टेक्स्ट, ये वाला है। अब स्टार्ट नंबर, अभी ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, इसको अभी छोड़ दें। ये इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ कि हमें पता चल जाए कि ये पहला जो वर्ड है, ये गुड्स जो आ रहा है, कि किस पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। अगर ये एक से ज़्यादा बार आ रहा हो तो अभी आपने छोड़ देना है एंड वाली ऑप्शन। अभी 18वें नंबर पे पहली दफ़ा आ रहा है, इसको अगर नीचे ड्रैग करूँ तो यहाँ पर वैल्यू का एरर आ रहा है। ये केस सेंसिटिव है, अगर थोड़ी बहुत अपर केस, लोअर केस, स्पेलिंग कुछ भी गलती होगी तो यहाँ पे वैल्यू का एरर दे देगा हमें, ठीक है। इस एरर को दूर करने के लिए हमने एग्जैक्ट नंबर या एग्जैक्ट वैल्यू ही लेनी है, तब ये हमें सेलेक्ट होगा। अब ये देखें, ये 19 क्यों लिखा हुआ है, मैंने 19 क्यों लिखा है, इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा रिक्वायर्ड जो वर्ड था गुड्स, ये 19th नंबर पे आ रहा है। यहाँ से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्पेसेस को भी काउंट करना है, 11 12 13 14 15 16 17 18 नंबर पे आ रहा है, ये 18 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब हमने नीचे वाला जो फार्मूला है, इसमें
हमने लगा देना है स्टार्टिंग नंबर। स्टार्टिंग नंबर जो है वो नंबर है कि इससे आगे आगे वो काउंट करे, ठीक है। हम ये ले लेते हैं इस सेल को, फाइंड, इंटर दबा दिया। अभी वैल्यू का एरर दे रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हमने। अब लिखना क्या है यहाँ पे, अगर तो हम ये चाहते हैं कि सेकंड नंबर वाले को फाइंड आउट करे, ठीक है। मीन कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये गुड्स आ रहा है, ये 18वें नंबर पे है, नेक्स्ट टाइम कितने नंबर पे आ रहा है ये, ठीक है। तो 18वें नंबर पर यहाँ से 19 कर देंगे, एक ऐड करके लिख देंगे, ठीक है। जब 18 में एक ऐड करेंगे तो 18 के बाद ये काउंट करना शुरू कर देगा। अब ये नेक्स्ट जो आ रहा है ये 35 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। काउंट करके चेक कर ले, 35 नंबर पे ही आ रहा है ये, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 होते तो हम यहाँ पे 36 लिखते, तो ये अगला जो नेक्स्ट जितनी दफ़ा वो आ रहा होता तो उसकी पोजीशन हमें बता देता। ये है फाइंड नंबर की, फाइंड पोजीशन मालूम करने के लिए फार्मूला यूज़ होता है कि उस करेक्टर की या उस वर्ड की जो पोजीशन आ रही है वो कितने नंबर पे आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फार्मूला है सर्च का। फाइंड और सर्च तकरीबन एक जैसे फार्मूले हैं, 99% एक जैसे हैं, ठीक है। 1% जो डिफरेंस है वो ये है कि ये केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव तो मुराद क्या है कि यहाँ पे अपर केस लोअर केस चल जाता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ फिलहाल। सेम वही फार्मूला है, इक्वल्स टू सर्च, सर्च का फार्मूला दबाए, फाइंड टेक्स्ट, ये टेक्स्ट हमने फाइंड करना है, ब्रैक कॉमा विद इन टेक्स्ट, इस टेक्स्ट में हमने मालूम करना है। अभी एंड वाला हमने वो ऑप्शनल है, इसको ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दें। स्टार्टिंग नंबर अभी हमने नहीं लिया यहाँ पे, तो स्टार्टिंग नंबर नहीं लिया तो स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है, 18 नंबर से स्टार्ट हो रहा है ये वर्ड 18वें नंबर पे है। नीचे ड्रैग करूँगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टार्टिंग नंबर के उस नंबर से आगे वो हमें काउंट करके दे किस पोजिशन पर आ रहा है, ठीक है। 18 के बाद एक अगला ऐड करूँगा तो 19 बन जाएगा, 18वां जाके ये काउंट ना हो, ठीक है। 19 लिखूंगा और यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग पोजीशन भी दे दूंगा मैं, कॉमा लगा के इसकी स्टार्टिंग पोजीशन भी दे दी मैंने। तो 35वें नंबर पे आ रहा है, सेम वही फाइंड वाला फार्मूला ही है, फाइंड वाली चीज़ें ही हैं। अब यहाँ पे वैल्यू का एरर आ रहा है। वैल्यू का एरर क्यों आ रहा है जी? इसलिए आ रहा है यहाँ पे क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिए, फाइन, ये स्टार्टिंग पॉइंट दे दिए। यहाँ पे ये कि लोअर कैप्स में या मींस के लोअर केसेस में ये लिखा हुआ है गुड्स, इसको भी इसने काउंट करके दे दिया है। सो इस तरह इस सर्च और फाइंड फंक्शन से हम रिक्वायर्ड वर्ड की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ये इसका फंक्शन है। नेक्स्ट जो दो हैं रिप्लेस और सब्सिट्यूट, ये भी एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, ठीक है। रिप्लेस का जो फंक्शन है इसको देखते हैं, ये क्या है रिप्लेस का फंक्शन, क्या कहता है। इसमें एक ओल्ड है, ये ओल्ड टेक्स्ट है, उसमें हमारा स्टार्टिंग नंबर जो है 12 नंबर पे जो वर्ड आ रहा है उसको पीछे के साथ न्यू वर्ड के साथ चेंज कर दे, और कितने करेक्टर्स वहाँ से उठाए, 6 करेक्टर्स उठा दे वहाँ से। आइए इसको मैं प्रैक्टिकल देखता हूँ। रिप्लेस में ओल्ड टेक्स्ट हमारा ये है, ठीक है, कॉमा स्टार्टिंग नंबर, स्टार्टिंग नंबर 12 पे। अभी आपको बताता हूँ कि मैंने 12 कैसे लिया, ठीक है। 12 हमने फाइंड का फार्मूला लगा के लिया है, ठीक है। इसमें हमारा स्टार्टिंग नंबर 12 पे ये बर्गर आ रहा है, ठीक है। बर्गर हमारा रिप्लेस हो जाए और बर्गर के हमने करेक्टर्स काउंट कर लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 करेक्टर्स हैं, ठीक है। अब वो नंबर ऑफ करेक्टर्स मांग रहा है तो ये यहाँ पे 6 करेक्टर्स दे दिए। नेक्स्ट वो मांग रहा है कि टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट कौन सा हो, पिज़्ज़ा को रिप्लेस करे, सॉरी बर्गर को पिज़्ज़ा रिप्लेस कर दे। इंटर दबाएंगे, ये देखें ये पिज़्ज़े को इसने जो 12 नंबर पे आ रहा है उसको रिप्लेस कर दिया बर्गर ने पिज़्ज़े को, सॉरी पिज़्ज़े को बर्गर ने 12वें नंबर पे जो बर्गर आ रहा था उसको रिप्लेस कर दिया। अब जो 35वें नंबर पे आ रहा है, ये जो हम ये पोजीशन हमने फाइंड फार्मूला से मालूम करनी है, ये वाली पहली पोजीशन थी 18 नंबर, ये 35 नंबर, ठीक है। सो यहाँ पे 12वें नंबर पे बर्गर आ रहा है, यहाँ पे देखें फाइंड का फंक्शन में लगाया हुआ है, ठीक है। फाइंड के फंक्शन में बर्गर लिखा हुआ है और उसका आगे ये हमने इसकी पोजीशन दी हुई है, फाइंड।
अगर इसको मैं नीचे ड्रैग करूं तो ये अब हमें बताएगा कि जो 35वें नंबर पे बर्गर लिखा हुआ है वो रिप्लेस हो जाए पिज़्ज़े के साथ। इसी तरह ये बर्गर 35 रिप्लेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज, ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है, ये इसने रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा सब्सिट्यूट का। सब्सिट्यूट का बहुत ही केस सेंसिटिव है, जैसे यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर में लिखा तो ये आगे फंक्शन काम नहीं करेगा, ठीक है। सेम वही चीज़ें हैं इसमें जो हमने रिप्लेस में की। आइए इसको देखते हैं, इक्वल्स टू सब्सिट्यूट, टेक्स्ट है ये वाला हमारा जिसमें से हमने फाइंड आउट करना है या रिप्लेस या सब्सिट्यूट करना है हमने। सब्सिट्यूट का मतलब है मध्य मुकाबिल, ठीक है। कॉमा लगाया, ओल्ड ओल्ड टेक्स्ट जो है वो हमारा है ये वाला बर्गर, बर्गर को उठा ले, न्यू टेक्स्ट हमारा पिज़्ज़ा है, कॉमा लगाया, नंबर इंस्टेंस, अभी इसको छोड़ दें, इसके बगैर भी काम हमारा चल जाएगा, कॉमा को ख़त्म करके ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब हमें वो दे रहा है कि जहाँ जहाँ बर्गर लिखा हुआ है वहाँ पे पिज़्ज़ा आ गया, जहाँ कहीं भी बर्गर लिखा हुआ आया, ये बर्गर लिखा हुआ है, ये बर्गर लिखा हुआ है, दोनों जगहों पे इसने पिज़्ज़ा कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अगर मैं इस फार्मूले को नीचे ड्रैग करके यहाँ पे मैं नंबर इंस्टेंस भी ऐड कर देता हूँ, ये वाला सेल भी ऐड कर दिया मैंने, इंटर दबाया, अब इसको नीचे ड्रैग किया। सो अब क्या क्या कहता है ये फार्मूला, ये कहता है कि जो दूसरी दफ़ा अगर रिपीट हो ये वर्ड बर्गर तो वो पिज़्ज़े के साथ रिप्लेस हो जाए, ठीक है। यहाँ पे भी यही केस था, अगर यहाँ पे तीन दफ़ा बर्गर आ रहा होता तो यहाँ पे मैं तीन लिखता, मीन्स के थर्ड नंबर पे जो आ रहा है उसको रिप्लेस करे, अगर मैं दो लिखता हूँ तो सेकंड नंबर पे जो आ रहा है उसको रिप्लेस कर दे, फर्स्ट लिखा तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वन ही है तो इसने पहले नंबर वाले को या जितनी दफ़ा भी आ रहा है वो उसको रिप्लेस कर दिया। इसका एक शॉर्टकट तरीका ये है, इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, फाइंड एंड रिप्लेस में जाना है, ठीक है। यहाँ पे बर्गर को मैंने पिज़्ज़ा से कन्वर्ट कर दिया और रिप्लेस आल कर दिया, तो जितनी दफ़ा भी यहाँ पे बर्गर लिखा हुआ आ रहा होगा उसको ये पिज़्ज़ा में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन यहाँ पे हमें एक ही जैसा रिज़ल्ट देगा, कोई हमें ये नहीं देगा कि सेकंड नंबर पे जो आ रहा है उसको कन्वर्ट कर दे, थर्ड नंबर पे आ रहा है उसको कन्वर्ट कर दे, मीन्स कि हमें अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हम नहीं ले सकते। तो ये है शॉर्टकट तरीका, इसको हम एक लिमिटेड कंटेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। आज हमने टेक्स्ट रिलेटेड जितने भी फार्मूला कर दिया, पहले लेक्चर में हमने 8 फार्मूला किए और अगले लेक्चर में हमने 9 फार्मूला कवर कर दिए। जितने भी टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको शो होते हैं इन फार्मूलाज में से कोई भी एक सिलेक्ट करके उस प्रॉब्लम को यूज़ कर दें, एक से ज़्यादा भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट का फार्मूला बड़ा ही कॉमन फार्मूला है, ये भी यूज़ होता है। एलियंथ का फार्मूला बड़ा ही कॉमन है, ये यूज़ होता है। सब्सिट्यूट रिप्लेस बड़े ही कॉमन फार्मूले हैं। सो नेक्स्ट वीडियो तक का हमारा इंतज़ार कीजिए, एक्सेल में एक नए चैप्टर के साथ हम आपके साथ खिदमत में हाजिर होंगे, और तब तक के लिए हमें हमारे लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और कमेंट में हमें आप फीडबैक ज़रूर दें। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।